रीवा का केंद्रीय जेल अपने क्रियाकलापों के लिए चर्चा में रहता है। यहाँ चाहे कैदियों से मुलाकात की बात हो या बंद राजनीतिक कैदियों को अस्पताल रेफर करने की, अक्सर चर्चा में बना रहता है। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जब सतना जिले के तिहाई निवासी युवक का जेल के अंदर से बैग और मोबाइल चोरी हो गया। दरअसल शिव कुमार पांडे अपने भाई से केंद्रीय जेल मिलने आए थे, जहां युवक का बैग और मोबाइल जमा कर लिया गया। मुलाकात के बाद जब वापस आया तो उसका बैग नदारद था। युवक जेल प्रहरियों से बताया तो यह उनकी जवाबदारी नहीं है, बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। युवक ने जब कहा कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चेक किया जाए तो जेल प्रबंधन ने कैमरे भी नहीं चेक किए, जिसके बाद पीड़ित थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चप्पे चप्पे पर लगे पहरे के बीच में मोबाइल और बैग कैसे चोरी हो गया, और कैदियों से मिलने जो व्यवस्था बनाई गई थी, परिजन टेलीफोन से बात करेंगे और दोनों के बीच में शीशे की दीवार होगी, तो क्या अब मुलाकात के लिए अंदर जाने की परमिशन है, जहां बैग और मोबाइल जमा करवाए गए थे, जो जांच का विषय है। फिलहाल युवक ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। दीप पांडे, एक्चुअल में हम लोग आए थे मुलाकात करने अपने चाचा जी से यहां पे सेंट्रल जेल दीवा में। तो क्या हुआ कि हम जब एंटर मार रहे थे वहां पे, तो हमारा सामान वगैरह वहां रखाया गया, तो हम तीन लोग थे, हमारा एक फ़ोन ऑलरेडी बैग में पड़ा हुआ था, उसमें सिम नहीं थी, इसके लिए हमने बैग में डाल दिया था। और उसके बाद हमने अपना फ़ोन, अंदर एंट्री नहीं है, अलाउड नहीं है फ़ोन लेके जाना, तो बैग में चारों फ़ोन डाल दिए और वहाँ पे बाहर रख के चले गए। अभी क्या हुआ कि वहाँ पुलिस वाले थे और उनके ही सामने हमने सबके बैग वहाँ रखे हुए थे, हमने भी रख दिया और अंदर मुलाकात के लिए चले गए। और जब वहाँ से हम मुलाकात 30-35 मिनट बाद मुलाकात से रिटर्न आए, तो वहाँ देखे कि हमारा बैग था ही नहीं, हमारा बैग गायब हो चुका था। बैग के अंदर जितने सामान थे, मतलब पूरा बैग ही गायब हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें थे। बैग में चार फ़ोन थे, उसमें चार फ़ोन थे, दो रेडमी के थे, तीन रेडमी के थे और एक रियलमी का फ़ोन था, और दो वन प्लस के नेक बैंड थे। इसके बारे में वहाँ जेलर से बात करने की कोशिश की? हाँ की, तो उनसे बोले कि हमें रिकॉर्डिंग दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि जिसके पास रिकॉर्डिंग है वो अभी है नहीं यहाँ पे, अवेलेबल नहीं है। और अपने चाचा जी को भी शायद फ़ोन लगा के हमने कल बोला था कि वो करे वहाँ से संपर्क, तो बोले कि यहाँ पे इधर का कैमरा नहीं है, वो बाहर वाला कैमरा लोकल थाने का है, जो बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है, पर शायद लोग बोल रहे हैं कि ये बंद है कि क्या है। हम तीन लोग मिलने गए थे, हाँ अमरिया थाने में परसों आए थे, उसी दिन आए थे, तुरंत आए थे दर्ज करवाने, ये परसों की ही है, उसी दिन की, और उसी दिन आए थे, तो FIR दर्ज नहीं किया गया यहाँ पे। और मतलब हमने बोला था कि चोरी हुई है, पर चोरी के जगह पे इसमें लिख दिया गया है कि गुम हुआ है ना, कि FIR दर्ज ना हो इसके लिए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।